अंत चाहे दिन का हो, साल का हो या इंसान का हो, हमेशा ही दुखद होता है। मगर उस अंत में भी एक उम्मीद और तसल्ली तब देखने को मिलती है जब उसे पूरे सम्मान और प्रेम के साथ विदा किया जाए। जी हाँ, इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक आइसक्रीम बेचने वाले इंसान के फ्यूनरल पर उसके अंतिम यात्रा पर काफी ढेर सारी भीड़ नजर आ रही है। वैसे तो ये वीडियो काफी दुख भरा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि क्या बात है। लुइसा डेविस नाम की एक महिला ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जो कि काफी भावुक करने वाला है, मगर ये वीडियो हैरान भी करने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो इतना पॉपुलर हो रहा है कि कई अकाउंट्स ने इन्हें पोस्ट भी किया है। वीडियो में एक आइसक्रीम बेचने वाले इंसान की अंतिम यात्रा दिख रही है। जिस गाड़ी में इंसान का शरीर है उसके पीछे कई आइसक्रीम ट्रक चलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ये वीडियो दक्षिण लंदन का है। वीडियो में काले रंग की गाड़ी में 62 साल के हसन की अंतिम यात्रा नजर आ रही है, जो 40 सालों से आइसक्रीम बेच रहा था। जब उसकी मौत हुई तो उसे कैम्बरवेल कब्रिस्तान ले जाया गया, मगर यात्रा में कई आइसक्रीम बेचने वाले अपनी ट्रक लेकर पीछे पीछे चलते नजर आ रहे हैं। ये सारे ही ट्रक वाले काफी धीरे धीरे ट्रक चला रहे हैं और इस वजह से ये वीडियो काफी चौंकाने वाला है। एक आइसक्रीम बेचने वाले के मरने पर उसके साथियों ने उसे कैसा ट्रिब्यूट दिया ये आप देख सकते हैं। सब उसके पीछे अपनी गाड़ियां लेकर आइसक्रीम वाली चले जा रहे हैं। उसको देखने के बाद वाकई दिल बहुत भावुक हो गया। मरने के बाद भी काफिला उसके साथ है। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।